आखि बुझी देइछंती सरकार जेते गुहारी कले केही सुनु नाहंती तेणु चरम निष्पत्ति सबु मेडाल गंगा नदी में फिंगी देबे। सेथिपाई दिल्ली रु जाई गंगा घाट रे धारणा देइछंती कुस्ती योद्धा आउ न्याय न मिलिले सबु पदक गंगा नदी में भसाई देबे बोली निष्पत्ति नेइछंती। धारणा स्थल रे पहुंची कुस्ती योद्धा माननकु बुझासुझा करूछंती पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी। एहापरे इंडिया गेट आगरे आमरण अनशन करिबा पई चेतावनी देइछंती। एभली घोषणा करिछंती कुस्ती योद्धा बजरंग पुनिया, विनेश फोगट एवं साक्षी मलिक। सोशल मीडिया रे एक विवृत्ति दे कुस्ती योद्धा माने कहिसंती मैं 28 रे कोन घटी थिला ताहा समस्ते देखिसंती। पुलिस कुस्ती योद्धांक सहित किभली व्यवहार कला, केते निर्दय भाव रे गिरफ कला ताहा समस्ते देखिसंती। कुस्ती योद्धांक शांतिपूर्ण आंदोलन स्थल को पुलिस भंगारुजा करि देला। एबे कुस्ती योद्धांक विरोध रे दंगा उस्काइबा भली मामला रुजु करूछि। पुलिस अपराधींक भली व्यवहार करूछि किंतु जे प्रकृत अभियुक्त ताकू सुरक्षा दिया जाउछि बोली कुस्ती योद्धा माने अभियोग करिसंती। सेमाने कहिसंती पदक हेउछि सेमानंक जीवन एवं आत्मा, ताकू गंगारे विसर्जन करिबा परे जीवनर कोनोसी अर्थ रहिबो नाही। सेथिपाई इंडिया गेट रे आमरण अनशन कराजिबो बोली कुस्ती योद्धा विनेश तांको सोशल मीडिया पोस्ट रे उल्लेख करिसंती। सेपटे नार्को टेस्ट करी निज स्वच्छतार प्रमाण देबाकू कुस्ती महासंघ सभापति ब्रिजभूषण को परामर्श देइछि हरियाणार एक खाप पंचायत। एक फ्रेम है ना भाई, एक फ्रेम है ना वहां से। जारी रही ब्रिजभूषण को गिरफ दाबी एवं नहीं जोरसोर रे बर्तमान प्रतिवाद जारी रही। बर्तमान आम आपन को देखौछु गंगा घाटर चित्र जो अनेक कुस्ती योद्धा एवं क्रीड़ा जगतर व्यक्ति सब उपस्थित अछंती एवं ब्रिजभूषण ब्रिजभूषण को गिरफ करा जाऊ ए दाबी एवं सेमाने रखी आसुचंती एवं जेतेबेले तांकू आंदोलन स्थल उठागला ता परवर्ती समय रे वर्तमान गंगा घाटे आसी समस्त पहुंची एवं तांकर जहां मेडाल बा देश पई जो गौरव आनिचंती ताकू मध्य सेमाने गंगा नदी रे भसई दबा पई ए चर्चा बा एभली किछि धमक मध्य दउचंती। यार भितर हरियाणार रे एक खाप पंचायत ब्रिजभूषण को मध्य परामर्श दैछि अर्थात ब्रिजभूषण को कहा जाइछि कि यदि आपण सचोट बा सब किछि ठीक ताहले नार्को टेस्ट करी निज स्वच्छतार प्रमाण दियंतु। लंबे समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पहलवान अपना आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे अपने को मिले जो जितने भी मेडल हैं उनको यहाँ पे परवाह करेंगे। भले ही इस पूरे मामले में प्रशासन कुछ भी कहने से बच रहा है। प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि वो किसी भी को नहीं रोकेंगे। यानी कि ये भी जानकारी मिल रही है कि रविवार को जिस तरीके की जो दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है उसके बाद पहलवान खासा नाराज है और उस नाराजगी का आज असर देखने को मिलेगा और सभी पहलवान हरिद्वार पहुंचकर अपने मेडल परवाह करने जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्ता, न्यूज़ 18 हरिद्वार।